कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान सोनिया ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने कहा कि 17 मई के बाद मोदी सरकार के पास लॉकडाउन को लेकर आगे की क्या रणनीति है। वहीं बैठक में राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता तब तक राज्य और देश कैसे चलेंगे। हमने 10,000 करोड़ का राजस्व खो दिया है। राज्यों ने पैकेज के लिए बार बार प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, लेकिन हमारी बात को अनसुना कर दिया गया है। सीएम गहलोत ने राहत पैकेज का मसला उठाया। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए, कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी ने बातचीत की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहत पैकेज के यहां पर मांग की, क्या अपडेट? देखिए मनीषा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज से सोनिया गांधी की वीसी से जुड़े और सोनिया गांधी ने तमाम जो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है उनसे फीडबैक लिया कि क्या स्थिति है और किस प्रकार केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है और वो क्या कदम उठा रहे हैं संक्रमण को रोकने और जो लॉकडाउन में जो स्थितियां बनी है उनमें जनता को किस प्रकार से राहत दी जा रही है। तमाम मुख्यमंत्रियों से और जो कांग्रेस के नेता है उनसे चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खासतौर पर जो राजस्थान सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं जनता को राहत देने के, उनकी पूरी रिपोर्ट, पूरी जानकारी सोनिया गांधी को दी और खासतौर पर जो हाल ही में जो श्रमिकों का जो आवागमन का जो दौर शुरू हुआ है, जो प्रवासी श्रमिक है उनको उनके राज्यों में भेजना और जो दूसरे राज्यों में राजस्थान के प्रवासी हैं उनको राजस्थान में लाना, उनकी किस प्रकार से व्यवस्था की गई है उनको लेकर उन्होंने जानकारी दी कि पूरी तरह से श्रमिकों की मदद की जा रही है, उनके ध्यान रखा जा रहा है, उनको पूरी व्यवस्था दी जा रही है, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा ताकि संक्रमण भी नहीं फैले और उनकी जरूरत की चीजें उनको दी जा रही है। खासतौर पर उन्होंने एक बात रखी जो पिछले काफी दिनों से लगातार वो प्रधानमंत्री के सामने उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों को बड़ा नुकसान हुआ है राजस्व का, हजारों करोड़ का, करीब 10,000 करोड़ से ऊपर सिर्फ मार्च के महीने में जब लॉकडाउन लगा था तब 10 दिन में हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ। ऐसे में एक आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है, केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज सभी राज्यों को दे और उसके लिए कई बार पीएम मोदी को कहा गया है लेकिन उनकी बात को सुना नहीं गया, अनसुना किया गया है। ऐसे में राज्यों को आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है, वो दिया जाए। साथ ही सीएम गहलोत ने जो लॉकडाउन में जो सख्त कदम उठाए हैं जनता को राहत देने की बात हो चाहे लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए, उनको फीडबैक दिया और जो चिकित्सीय व्यवस्था है, चिकित्सा व्यवस्था किस प्रकार से संक्रमण को रोकने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी से जुटा हुआ है विभाग और पूरी सरकार, वो जानकारी सोनिया गांधी के सामने रखी। जी मनीषा, बिल्कुल पिंटू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको बता दें सोनिया गांधी ने केंद्र से राहत पैकेजेस की मांग की है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राहत पैकेज का मसला उठाया। सीएम अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण